निगम भिलाई क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए निगम टीम गठित कर शहर में रात 10 बजे के बाद होटलों, विवाह भवनों, सार्वजनिक स्थलों पर डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित होने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी वर्चुअल बैठक पर निगम भिलाई आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को दिए हैं। जोनवार ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध किया जाएगा, साथ ही आगामी दिनों में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों, भवनों के आसपास के स्थलों को साइलेंट जोन भी घोषित किया जाएगा। हाँ, माननीय आयुक्त महोदय ने, कलेक्टर सर ने जो निर्देश दिए हैं उसको वर्चुअल बैठक करके सारे निगम के अधिकारियों को, सभी विभाग प्रमुखों को, इंजीनियर को और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब ध्वनि पे प्रतिबंध लगाया जाना है। जो मानक क्षमता से अधिक जो डीजे वीजे बजते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर उस पे प्रतिबंध लगना है। प्रथम चरण में सभी जोन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र के विवाह भवन, कैफे, होटल, जहाँ से सार्वजनिक स्थान जहाँ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन स्थानों को चिन्हित करके, एक सूचीबद्ध करके उसको प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद फिर एक टीम बनाई जाएगी जिसके नोडल अधिकारी होंगे और वो टीम 10 बजे रात से 12 बजे के बीच कार्रवाई करेगी। जहाँ मानक क्षमता से अधिक ध्वनि का प्रदूषण हो रहा होगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब्ती की भी कार्रवाई, डीजे वगैरह के ऐसा पाया जाता है तो उस पर जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित 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 अभी कल महापौर आयुक्त सर का निर्देश था और आज उस पर टीम गठन किया जा रहा है। जैसी टीम गठन होगा उसमें नोडल अधिकारी और सारे लोगों के नंबर प्रसारित किए जाएंगे।